मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? हम लोग के आप सभी ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं और सुबह के हो रहे हैं 12 बजे। तो सुबह जो 8 बजे मासी आती है तो उसको मैंने मना कर दिया था, मेरी जो आती है मालिश के लिए मेरा मन की, तो मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि मेरा मन की मालिश की वजह से अहमद भी उठ जाता है। तो जी उसकी मेरा मन की मालिश की वजह से ना अहमद भी उठ जाता है और वो फिर मुझे 10-11 बजे तक डिस्टर्ब करता है। तो मैं कहती हूँ रात में लेट नाइट जो आता तो थोड़ा सा लेट उठे, तो बस यही वजह है। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि आप 11 बजे या 12 बजे आपके उसकी मालिश कर दें। और ये देखें जी मालिश वो करके जा चुकी हैं और ये यहाँ जो है ना लेटा हुआ है, इसको यहाँ भूख लग रही है। अच्छा अच्छा ले लीजिए। तो यार इसको जो है ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे लग रहा है या तो मैं डेली इसको नहलाती हूँ, लेकिन डेली नहलाने से तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चा सेहतमंद होता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, कि मैं इसकी खांसी का क्या इलाज करूँ। अभी 1.5 महीने का ही है और मैं नहीं चाह रही कि उसको मैं एंटीबायोटिक्स दूँ। उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके जो है ना गले में भी पेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है डेली नहलाने से, लेकिन डेली नहलाने से गर्मी इतनी है तो मैं थोड़े नीम गर्म पानी से नहलाती हूँ। तो या तो ये मुझे लग रहा है कि एसी में सोने की वजह से हो रही है इसको ठंड। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं क्या करूँ, इतने छोटे बच्चे के लिए इसको क्या दिया जाए और क्या किया जाए, ठीक है? तो यहाँ तो ना नाश्ता लग चुका है और नाश्ते में हमारे पास हैं कबाब, पराठे, आम साथ मैंगो कटे हुए बहुत मज़ेदार से, और साथ हमारे पास थी बिरयानी जो कि हमने रात में बनाई थी, और साथ साथ जो है ना हमने कबाब भी फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो कबाब देखें कितने मज़े के लग रहे हैं और बने भी बहुत टेस्टी थे, खाली शक्ल से नहीं और अंदर से भी बहुत अच्छे हैं ये। तो बस जल्दी से नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये देखें जी दोपहर का टाइम हो रहा है और अहमद और समरा अपने रूम में बैठे हुए हैं और अहमद ने ये क्या बनाया, अहमद आपने ईदी वाला इसने वो बनाया, एनवलप बनाया और साथ इसने हैंडल भी लगाया, और समरा भी यहाँ बैठी हुई है नीचे। हेलो, ये समरा ने ये देखें मंथ का कैलेंडर बनाया हुआ और माशाल्लाह इतना खूबसूरत बनाया है। देखें ये डेट ए वेडनेसडे लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू इसका अंदर चला गया और 13 है वेडनेसडे जून है, ठीक है? और इसके पीछे इसके ये पॉकेट्स भी बनाए हुए हैं, ये इसके पीछे इसके पॉकेट्स बनाए, इसके अंदर ये सारे लिख लिख के ना समरा ने सारी डेट्स वगैरह इधर रखी हैं। और साथ समरा ने फ़ैन बनाया, तो ये देखें जी फ़ैन, ये देखें कितना खूबसूरत फ़ैन है। तो मैं समरा को यही बता रही थी कि ये जो है ना इस तरह की चीज़ें बनाया करो ताकि आप अपने अलमारी में भी सेट कर सको, और ख़ूबसूरत खूबसूरत चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। तो दोपहर का भी टाइम हो रहा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी आ रही है जा रही है। और यहाँ पर जो है ना ये मीर अमल सो रहे हैं, ये सो रहे हैं मीर अमल, और ये साथ साथ दोनों लड़ भी रहे हैं, दोनों लड़ाई भी बहुत करते हैं और खेलते भी हैं आपस में, बस 2-2 मिनट बाद दिन की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो शाम में चलेंगे हम लोग छत पे, अगर छत पे नहीं गए फिर देखते हैं कि खाना क्या बनाएंगे शाम में और शाम में क्या करेंगे और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, तो चले छत देखते हैं। तो यहाँ जी शाम का टाइम हो गया और यहाँ सैंडविचेस बन रहे हैं चाय के साथ, ये देखें चाय बन रही है, साथ ऑमलेट बन रहा है, साथ हम लोग बना रहे हैं बटर वाला ऑमलेट मज़ेदार सा। यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और यहाँ अहमद रो रहा है, अहमद रो के दिखाओ कैसे रो रहे हो, व्लॉग में आएगा? नहीं नहीं, धूप देखें कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना सूरज बिल्कुल यहीं पर तमतम आ रहा है। तो जी यहाँ हो चुका है रात का टाइम, रात के 9 बज रहे हैं। खाने में आज हम लोगों ने कोरमा बनाया चिकन का, साथ रोटी वगैरह भी बना ली थी और साथ आज जो है ना ये छोटा वाला बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो मैंने इसको डमी लगाई, कि डमी लगा के ना सुकून से सोता रहता है। तो जी आज जो है ना समरा हमारे साथ हैं और समरा क्या बना रही है आज जो है ना, समरा रसमलाई बना रही है। रसमलाई की रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और बताऊंगी कि कैसी बनी। तो फर्स्ट टाइम समरा रसमलाई बना रही है, इससे पहले भी समरा ने डिज़र्ट बनाया था बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी था, लोटस बिस्किट का। तो चाहो तो आप कैंडी बिस्किट का भी बना सकते हो, तो हाफ़ हमने लोटस बिस्किट डाले थे इसके अंदर और हाफ हमने कैंडी बिस्किट डाले थे। तो चलिए चलते हैं देखते हैं समरा की रेसिपी, अब समरा आपको बताएगी कि मैं क्या क्या रसमलाई में डाल रही हूँ, ठीक है? तो
अच्छा, यहाँ जो है ना हमने ये बीफ का कौरमा बनाया और साथ रोटी भी बनाई है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि समरा ने क्या किया है। समरा ने सबसे पहले क्या किया है, समरा बताओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आप कर रही है और इसको मैं रेसिपी से रेसिपी आपको शेयर करूँगी, तो चलिए चलते हैं देखते हैं। इसके अंदर मैंने दूध डाला है, लाइट्स पाउडर डाला है और जस्ट शुगर डाली है। तो अभी हमने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो ये देखें जी, साथ साथ हमने कोरमा भी बना लिया था शाम के खाने में, तो शाम में ही बना लिया था। तो यहाँ जो है ना समरा रसमलाई की जो है ना आपको बाउल की रेसिपी बता दी है, जो बाउल उसके बनेंगे ना रसमलाई के लिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए बताओ। हाँ, मैदा, बेकिंग पाउडर लिया है, ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर है और ये ना इलायची पाउडर बता। तो गाइस देखिए हमने ये किया है, ये है ड्राई पाउडर, मिल्क पाउडर है, सॉरी मिल्क पाउडर है और ये है बेकिंग पाउडर, ये मैदा है, सॉरी असल में कलर सेम है ना, तो समरा को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मामा ने क्या क्या रखा था। ठीक हो गया, तो समरा मुझे चीज़ें बताती गई थी और मैं साथ साथ निकालती गई थी। ये हमारे पास है ड्राई मिल्क, ठीक है, मतलब मिल्क पाउडर है हमारे पास। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून मैदा है, ये 1 टेबल स्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है। मीठा सोडा नहीं होता, मीठा सोडा जो होता है वो सालन वगैरह में भी यूज़ होता है, लेकिन ये हमारे पास होता है बेकिंग पाउडर जो मीठी चीज़ों में होता है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास अंडा है, एक अंडा है वो हम, ठीक हो गया, और साथ है हमारे पास जीरे का पाउडर, इलायची पाउडर, सॉरी इलायची। अच्छा, समरा थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है आज अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए, इंशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता समरा इसके अंदर डालो चीज़ें। सबसे पहले क्या करोगी समरा? सबसे पहले हम बाउल, सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को, सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डाला ड्राई पाउडर, ड्राई मिल्क, उसके बाद हम डालेंगे मैदा, डालेंगे बेकिंग पाउडर, सारे मिक्स कर दिए। इसमें इलायची पाउडर, इलायची पाउडर डालेंगे और इसमें डालेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून आई थिंक घी, हाँ घी डालेंगे। घी निकालो, क्या हुआ अहमद, अहमद क्या हुआ? हमने 2 टेबल स्पून हमने घी डाला, जिसको अच्छी तरह जो है हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, इसके हम लोग डो बना लेंगे। डो इसमें बनाएंगे कि इसमें अंडा मिला मिला के हम लोग इसकी डो बनाएंगे। ठीक हो गया, तो इसके हम लोग बना लेते हैं जल्दी से डो अच्छी तरह। इसको जो है ना समरा मिक्स कर लेंगी हाथ की मदद से, सारे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। ठीक हो गया, समरा जल्दी बनाओ बेटा। और साथ साथ जो है ना ये बोना सो रहा है यहाँ पर है, घी और नहीं डलेगा, पहले इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह घी मेल्ट करो इसके अंदर। ये देखें इस तरह इसकी जो है ना डो तैयार हो जाएगी, और इस तरह करके हम जो है ना इसकी गोलियां बनाएंगे। समरा गोलियां बना रही है इसकी, और ये एक तरफ अहमद कार्टून बन गया, पूरे फेस पे अहमद ने स्टिकर स्टिकर लगाए हैं। ने जो है ना जस्ट ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बनाई है, क्योंकि ट्राई के लिए हमने पहले थोड़ी सी समरा ने बनाई है। तो ये हमने पैन में जो है ना दूध रख दिया, ठीक है, अब इसके अंदर ये एक एक करके हम लोग आराम आराम से इसके अंदर छोड़ेंगे। ठीक है, देखें हम पैन में छोड़ेंगे, बस समरा ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। जल्दी जल्दी डालो समरा, मेरा मन रो रहा है, जल्दी डालो। अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए इसको बॉईल होने देंगे और देखेंगे कि हमारी ये टूटेंगी तो नहीं, तो इसको पकने के लिए दे देंगे। ठीक है, जो है ना समरा की रसमलाई तैयार हो गई। तो अब आप देख रहे होंगे कि रसमलाई का क्या हाल हुआ, तो रसमलाई का हाल ये हुआ, इसका जो है ना इससे जो जो बॉल थे ना उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब या तो बेकिंग सोडा हो गया या क्या ज़्यादा, जिसकी वजह से बॉल जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मेल्ट हो गया दूध में जाके। खैर, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, टेस्ट बहुत अच्छा आया इसका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा डिज़र्ट शेयर करेंगे आपके साथ, समरा रेसिपी शेयर करेगी। तो इंशाल्लाह बहुत अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में। और समरा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि मम्मा ख़राब बनाएंगे।